हेलो वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, जैसे कि हवाई जहाज़ में टॉयलेट कैसे होती है, और बहुत कुछ दिखाऊंगा कि हवाई जहाज़ में खाना कैसे मिलता है और आप कैसे खाना खा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ और अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जस्ट दिल्ली के लिए। तो अभी मेरी फ़्लाइट है कुछ ही देर बाद, जो कि विस्तारा फ़्लाइट है, विस्तारा की। और बहुत सारी फ़्लाइट नेम होते हैं, जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा। तो चलिए, अभी यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बोर्डिंग मतलब अभी हवाई जहाज़ में बैठना शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे, हवाई जहाज़ में बैठेंगे और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये कि गेट नंबर 7 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने 7 लिखा हुआ। तो गेट होते हैं हर हवाई जहाज़ के में अंदर जाने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग गेट नंबर 7 से इंटर कर रहे हैं। कहाँ पर? हवाई जहाज़ में, विस्तारा में बैठने जा रहे हैं। हर हवाई जहाज़ में के बोर्डिंग पास में लिखा होता है कि आपके हवाई जहाज़ किस गेट नंबर पे से किस गेट नंबर पे आएगी। ओके, तभी अभी हम लोग हवाई जहाज़ में बैठ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा स्काई दिख रहा है, ब्लू स्काई, और अभी हवाई जहाज़ बिल्कुल अपने हाईएस्ट ऊंचाई में है, मतलब सबसे ऊंचाई पर है, और यहाँ से आप बादलों को आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे खाना कैसे मिलता है। पहले इस सीट को ओपन कर सकते हैं, आपके जैसा सामने सीट होगी, इसे ओपन कर सकते हैं और इसी में रख के आपको कुछ भी खाना या पीना है। यहाँ पर मोबाइल होल्डिंग के लिए भी ये डिवाइस दी जाती है। आपके सामने जो सीट होगी उसके पीछे ऐसा लगा होगा, यहाँ पर आपको आप अपने मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी ट्रिप को इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर ये खाना और यहाँ पर बॉटल रखने के लिए सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पर रख के आप खाना खा सकते हैं और बॉटल रख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या मिलेगा और कैसे रख के आप लोग खा सकते हैं। स्पेस कम होता है, लेकिन कम स्पेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं फ़्लाइट्स में, जो कि पैसेंजर के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो। वहाँ पे मेरा बॉटल आपको दिख रहा होगा, ये मैं मोबाइल होल्डर को क्लोज कर रहा हूँ, ऐसे क्लोज कर दिया, और यहाँ से मैंने ये, आप इसे क्लोज करना हो तो ऐसे करके ऐसे कर देना तो क्लोज हो जाएगा, बट ये जब खाने के समय ही ओपन करना, टेक ऑफ एंड लैंडिंग के समय से हमेशा बंद रहने देना। आप देख सकते हैं कितना स्पेस है दो सीटों के बीच में। तो अगर आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अगर खाना पीना पसंद हो तो आपको मनचाहा खाना मिल जाएगा, जिसे विस्तारा में छोले एंड परोठे मिला है, और अलग अलग फ्लाइट की अलग अलग डिशेज होती हैं, और समोसा भी मिला है, छोले समोसा। तो हम लोग इसे खा रहे हैं, और विस्तारा ब्रांड का जो वाटर है वो भी है। तो चलिए मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ कि टॉयलेट कैसे होती है। आप सोच रहे होंगे, तो ये टॉयलेट होती है ऐसे, और बहुत ही कंजेस्टेड होती है, इसमें केवल एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ फुली डेकोरेटेड होती है। यहाँ पे ये नैपकिन्स भी रखी हुई होती हैं, टिश्यू पेपर रखे हुए होते हैं, और मैं आपको चकित है वाश बेसिन, इतने छोटे से स्पेस में वाश बेसिन भी होती है। लगभग वेस्टर्न स्टाइल की ही रहती है ये, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये वाश बेसिन ये बहुत छोटी सी, ये हैंड वाश रखा हुआ है, और मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ मैं कितने छोटे स्पेस में खड़ा हूँ। इतने छोटे से स्पेस में खड़ा हूँ, और इसमें फ्लश दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें वाटर बहुत कम रहता है। यहाँ पर वो साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा फ्लश। तो सब कुछ करने के बाद यहाँ पे फ्लश दबाना एक बार जरूर देख लें, हिंदी या इंग्लिश में हर जगह लिखा रहता है। तो फ्लश दबाएं कुछ भी टॉयलेट करने के बाद। तो अगर आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।